और इधर दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन आज जामताड़ा भाजपा जिला कार्यालय पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। यहां की वे पार्टी कार्यकर्ता के साथ एक बैठक की। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड को अलग राज्य बनाने का एक उद्देश्य था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीब पीड़ित शोषितों का विकास हो सके। जब तक सीबू सोरेन गुरुजी दुर्गा सोरेन पार्टी में सक्रिय रूप से थे तब तक तो अच्छा था, लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में दलाल और बुरे लोगों का कब्जा हो गया है, जिससे विकास एक तरफा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ लूटपाट, गरीबी की जमीन हड़पना और दलाली भ्रष्टाचारी बढ़ गई है और इसी में वर्तमान सरकार चल रही है। नई शुरुआत ही समझ कि जिस तरह से हमको मोदी जी ने सम्मान दिया, महिलाओं को खासकर सम्मान दिया और अपने परिवार में किसान परिवार में एक जगह दिए मोदी जी, जैसा जेपी नड्डा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर काम करने की जो अच्छे काम करते हैं और किया जाता है, सम्मान किया जाता है। और यहाँ पर कई मीडिया है तो गुरु जी की तरफ से क्या तरफ से पूरा आशीर्वाद हमेशा ही मिलते रहा और अभी भी मिला है। और आशीर्वाद की कोई कमी नहीं है, आशीर्वाद तो छोड़ने के लिए ही दिए हैं हमको। आप तो राजनीति ये लोग अभी विधानसभा लड़े हैं, विधानसभा है जी। सबसे पहले तो विकास जो है कि झारखंड का जो विकास है आपकी सरकार से बिल्कुल ही नहीं है। आप भ्रष्टाचार में पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। यहाँ झारखंड को अलग राज्य बनाया गया, विकास के लिए बनाया गया है।